धीरज जी नमस्ते। नमस्ते सर। और बहुत बहुत बधाई आपको। आज ओलंपिक का समापन की दिशा में जा रहा है और आपने देश को खुश कर दिया। नीरज चोपड़ा ने जीता गोल्ड तो पीएम मोदी ने मिलाया फोन। लोग बोले ये भी एक पब्लिसिटी का तरीका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा से टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने के बाद फोन पर बात की और उनकी प्रशंसा की। 23 साल के नीरज चोपड़ा ने इस स्वर्ण पदक से ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में देश को ओलंपिक पदक दिलाने वाले पहले एथलीट बन गए। ये भारत का ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धाओं में दूसरा स्वर्ण पदक था। निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने 2008 बीजिंग खेलों में देश को पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना से जुड़े इस युवा एथलीट को फोन पर बधाई दी, जिसके बाद वो आ गए सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर। पत्रकार अजीत अंजुम ने प्रधानमंत्री की इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, स्पीकर फोन पर बधाई देते देश के सुपर स्पीकर पब्लिसिटी का कोई मौका छूट न जाए। तो एक यूजर ने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्या आपको मालूम है कि टोक्यो ओलंपिक में पदक विजेता बजरंग पुनिया व नीरज चोपड़ा तीनों कृषि बिलों का विरोध जता चुके हैं। अगर थोड़ी भी शर्म बची है तो बधाई देने की जगह तीनों काले कृषि कानूनों को रद्द करके उनको तोहफा दीजिए। क्या आप ये हिम्मत दिखाएंगे? तो एक यूजर ने लिखा, अगर महाशय स्पीकर चालू करके बात नहीं करते तो देश को पता ही नहीं चलता कि इन्होंने पदक विजेता से फोन पर बात की है। इसका मतलब देशवासी इन पर इतना भी भरोसा नहीं करते, इसीलिए इन्हें जनता को अपनी छोटी से छोटी बात का भी सबूत देना पड़ता है। तो तौकीर आलम नाम के एक यूजर ने लिखा, वो ऑन कैमरा जब भी बधाई देता है तब अपने कद से भी छोटा दिखाई देता है। तो दिलीप कुमार नाम के एक यूजर ने लिखा, पहले लोग ऐसी बधाइयां और फोन कॉल प्राइवेट पे करते थे और समाचार में बस सुनने को मिलता था कि फला नेता ने फला खिलाड़ी को जीत की बधाई दी, लेकिन इस इवेंट मैनेजमेंट सरकार में बधाई देना भी अब एक इवेंट है। उधर एक बच्ची के बलात्कार और हत्या से पीड़ित परिवार के नाम एक शोक संदेश नहीं फूटा। तो शशांक नाम के एक यूजर ने लिखा, कोई किसी को असामान्य सफलता के बाद बधाई देते हुए स्पीकर ऑन रखकर और उसका वीडियो शूट करके कैसे बधाई दे सकता है? ऐसे बात करके बधाई देने में कितनी संजीदगी, स्वाभाविकता और उस व्यक्ति की सफलता के प्रति कितना सम्मान हो सकता है? क्या कोई बहुत आत्मकेंद्रित व्यक्ति ही ऐसा करेगा? तो मुकेश नाम के यूजर ने लिखा, अरे भाई कितना पीआर करोगे, कॉन्ग्रेचुलेट हिम पर्सनली नॉट फॉर कैमराज। ऐसे कितने सोशल मीडिया यूजर हैं जो प्रधानमंत्री के कैमरे के सामने नीरज चोपड़ा को फोन करके बधाई देने पर उनको ट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।